हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब देखिए, इस समय बड़ी खबर आ रही है कुलभूषण जाधव से जुड़ी हुई। पाकिस्तान ने तीसरा काउंसलर एक्सेस देने का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की शर्त मान ली है, मुलाकात के दौरान कोई पाकिस्तानी जवान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर भारत की तरफ से कोई जवाब अभी नहीं दिया गया है। हम सीधे रुख करते हैं, प्रणय उपाध्याय इस समय मेरे साथ मौजूद है। प्रणय, कब तक जवाब दिया जा सकता है भारत की तरफ से? प्रणय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रणय से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, अभी भारत की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो है वो भारत के प्रस्ताव को मानता हुआ नजर आ रहा है। प्रणय, आवाज मिल रही है मेरी? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी जी, प्रणय प्लीज बताइए कि कब तक भारत की तरफ से जवाब दिया जा सकता है? देखिए, अपेक्षा है कि ये जवाब जल्दी ही भारत की तरफ से दे दिया जाएगा। और क्योंकि ये अपने आप देखिए किस तरीके से रोमाना पाकिस्तान की कलाई खोलता है। कल पाकिस्तान ने कहा कि हम अभिरक्त जो है एक्सेस दे रहे हैं, अबाद काउंसलर एक्सेस की हम इजाजत दे रहे हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और नजर आती है। और तीसरा ऑफर ही ये बताता है कि भारत की शिकायत जायज थी, तभी उनको ये उनके ऊपर भी दबाव है कि वो अबाद काउंसलर एक्सेस भारत को मुहैया कराएं। और ये भारत की डिमांड लंबे समय से चली आ रही कि काउंसलर एक्सेस के कोई मायने ही नहीं रह जाते हैं अगर क्लाइंट और वकील के बीच की मुलाकात या काउंसलर ऑफिसर और जो कैद में व्यक्ति है उसके बीच की मुलाकात के दौरान यदि इंटिमिडेटिंग यानी डराने की मुद्रा के साथ वहां सिक्योरिटी के लोग खड़े रहे, वहां रिकॉर्डिंग हो रही हो, कैमरे लग रहे हो, तो सितंबर 2019 की काउंसिल एक्सेस मीटिंग में भी वही हुआ जो कि 16 जुलाई 2020 की काउंसिल एक्सेस मीटिंग में हुआ। और इसी पर नाराजगी जताते हुए कल भारत के अधिकारी वापस लौटे थे और भारत ने साफ कर दिया था कि इस तरीके की काउंसिल एक्सेस मीटिंग को न तो क्रेडिबल कहा जा सकता है ना किसी तरीके से सार्थक कहा जा सकता है। बिल्कुल जायज थी हिंदुस्तान की मांग, और इसी वजह से अब पाकिस्तान झुका है और भारत की शर्तों पर काउंसलर एक्सेस देने को कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान तैयार है। फिलहाल भारत को जवाब देना है।